नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एटीएम पे जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पे दो तरह के हमें जब भी पैसे निकालते हैं तो हमें दो तरह के ऑप्शन आते हैं कि सेविंग अकाउंट चुने या करंट अकाउंट चुने। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट होता है बट हम समटाइम करंट अकाउंट भी चूज कर लेते हैं और पैसे विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये अक्सर होता क्या है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसकी क्या डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इसके डिफरेंसेस के बारे में पता चल सके और आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में जान सके। दोस्तों, बैंक अकाउंट हर व्यक्ति की अहम जरूरत बन चुकी है। वेतनभोगी एम्प्लॉय से लेकर किसान, गृहिणी और स्टूडेंट से लेकर कारोबारियों तक को बैंक अकाउंट की जरूरत रहती ही है। हर बैंक के दो तरह के खाते खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। भले ही इन दोनों अकाउंट का इस्तेमाल डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता हो, लेकिन ये दोनों समान नहीं है। इन दोनों अकाउंट में काफ़ी अंतर है। आइए जानते हैं अंतर क्या है। किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो खाता धारक को लिमिटेड ट्रांजेक्शन की अनुमति देता है। वही करंट अकाउंट डेली ट्रांजेक्शन के लिए होता है। सेविंग बैंक अकाउंट सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय या मंथली इनकम कमाने वालों के लिए भी या फिर बचत के लिए अकाउंट खुलवाने के उद्देश्य से होता है। इसे नाबालिग के नाम पे भी खुलवाया जा सकता है। वही करंट अकाउंट बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले यानी कारोबारियों के लिहाज से अच्छा होता है। इसे स्टार्टअप, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आदि भी खुलवा सकता है। सेविंग अकाउंट पर कस्टमर को ब्याज मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट से आप केवल उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितना उसमें है। उससे ज़्यादा पैसे निकालने पर बैंक आपको अलर्ट करता है कि आपका बैलेंस इतना नहीं है। लेकिन करेंट अकाउंट में यह सुविधा मिलती है, यानी आप इसमें मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। सेविंग अकाउंट की तरह ही करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लेकिन करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस सेविंग अकाउंट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में जमा पर ब्याज मिलता है, लेकिन यह टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन करंट अकाउंट इससे बाहर है। सेविंग अकाउंट से महीने में किए जाने वाले ट्रांजेक्शन के लिए आमतौर पर एक लिमिट होती है। आप एक तय नंबर से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। करंट अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में यह लिमिट होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।